सो हाई एवरीवान वेलकम बैक टू द चैनल तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है झारखंड बी एड इंट्रेंस एग्जाम के लिए क्योंकि जैसा आप सबको पता है इंग्लिश से हमारे पंद्रह क्वेश्चन आने वाले हैं और इन पंद्रह क्वेश्चन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्वेश्चन टैग क्योंकि दो में भी इससे दो क्वेश्चन पूछे गए थे दो के पेपर में एक क्वेश्चन था एंड दो में भी मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक से हमारे एक से दो क्वेश्चन रहने वाले हैं सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इसे बिल्कुल डिटेल में कवर करें ठीक है तो चलिए इस चैप्टर को एकदम ईजी वे में समझते हैं और पढ़ते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग ये हमारे चैप्टर का नेम है तो क्वेश्चन टैग सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है ठीक है तो यहाँ जैसे कि मैंने लिखा है एक सेंटेंस रहेगा आपका आगे में और उसके बाद कोई शॉर्ट क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो वो क्या होता है क्वेश्चन टैग होता है ठीक है जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए जैसे मैंने बोला तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो हो ना ठीक है तो यहाँ लास्ट में जो हमारा होना आ रहा है ना वो है क्वेश्चन टैग मतलब हमने एक जनरल सेंटेंस बोला और उसके बाद मैंने उस चीज को कंफर्म करने के लिए उस जनरल सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा ठीक है एक और एग्जांपल लेते हैं हिंदी में ही तुम कल दिल्ली जा रहे हो है ना ठीक है तो ये लास्ट में है ना क्यों आया ये कन्फर्म करने के लिए कि क्या सच में तुम दिल्ली जा रहे हो यस और नो समझ आ रहा है तो देखिए यहाँ पर समझिएगा एक सेंटेंस हमारा रहेगा उसके बाद वो किसी एक शॉर्ट क्वेश्चन से जब फॉलो अप होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे क्वेश्चन टैग बोलेंगे ठीक है तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है टू कन्फर्म दिस इस पूरे सेंटेंस को कन्फर्म करने के लिए जो हम एक छोटा सा क्वेश्चन लगाएंगे ना लास्ट में वही हमारा क्वेश्चन टैग ठीक है तो हिंदी में मैंने एक सेंटेंस लिखा है वाक्य के बाद आने वाले छोटे सवाल को ही हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन टैग बोलते हैं जैसे कि इंग्लिश में आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो यू आर हैप्पी आई एंट यू ठीक है तुम खुश हो आर यू मतलब एक छोटा सा हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम सच में खुश हो या नहीं हो ठीक है समझा रहा है फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं राम इज नॉट स्टडिंग इज ही राम पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा वो मतलब ऐसा हम पूछना चाह रहे हैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन से हम पूरे इस सेंटेंस का एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं ठीक है समझ आया आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा कि क्वेश्चन टैग बेसिकली क्या होता है एक सेंटेंस हमने बोला और उसी सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए हम जो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं लास्ट में क्वेश्चन क्वेश्चन जो लगा रहे हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन टैग बोलते हैं अब इस क्वेश्चन टैग इस चैप्टर में आखिर करना क्या होता है तो ये जो क्वेश्चन टैग हम लगाते हैं ना वो कुछ रूल्स के बेसिस पर लगाए जाते हैं ठीक है अब बेसिकली हमें उन्हीं रूल्स को पढ़ना है और हमारे जो पेपर होंगे उसमें क्वेश्चन uh, कैसा आएगा क्वेश्चन आपको दिया होगा जो सेंटेंस रहते हैं जैसे कि यू आर हैप्पी इतना दिया हुआ है और उसके बाद ब्लैंक्स रहेगा ठीक है और ब्लैंक्स में आपको चूज करके लिखना होगा चार ऑप्शन से लिखना होगा ठीक है तो uh, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम सारे रूल्स को समझ लें क्वेश्चन टैग के ठीक है अब बढ़ते हैं रूल्स की तरफ तो सबसे पहला रूल क्या है हमारा सेंटेंस और क्वेश्चन टैग दोनों सेम टेंस में होंगे ठीक है मतलब कि इधर का जो पार्ट था हमारा सेंटेंस का और इधर का जो पार्ट है हमारा क्वेश्चन का ठीक है दोनों का जो टेंस होने वाला है ना वो सेम रहने वाला है अगर हमने इधर प्रेजेंट रखा तो इधर भी प्रेजेंट होगा अगर हमने सेंटेंस साइड में पा, पास्ट रखा तो हमारा क्वेश्चन टैग भी क्या जाएगा पास्ट में जाएगा ठीक है जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है यू आर हैप्पी आ यू ठीक है तो यहाँ पे आप आप देख सकते हो जो मैंने अंडरलाइन किया है तो यहाँ पर आर आ रहा है इधर आर आर आ रहा है ठीक है कहने का मतलब क्या है ये इधर साइड भी प्रेजेंट है हमारा यू आर हैप्पी प्रेजेंट में है और आर एंट यू भी क्या है हमारा प्रेजेंट में अब नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देखिए ही वॉज ऑनेस्ट वॉज एट ही ठीक है तो यहाँ पर भी पास्ट में जा रहा है तो क्वेश्चन uh, टैग भी हमारा क्या है पास्ट में सेंटेंस पास्ट में तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट में तो फर्स्ट फर्स्टली क्लियर वन वन थिंग कि जो हमारा सेंटेंस होगा वो जिस टेंस में है क्वेश्चन टैग भी हमारा उसी टेंस में आएगा इफ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट द क्वेश्चन टैग विल बी इन प्रेजेंट इफ दैट इज इन पास्ट देन इट विल बी ऑल्सो इन पास्ट ओके अब नेक्स्ट रूल पर हम लोग आते हैं रूल सेकेंड हमारा क्या कहता है सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या आएगा नेगेटिव आएगा ठीक है और अगर सेंटेंस हमारा क्या है नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा ठीक है मतलब बिल्कुल वाइस वर्सा है कि सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ठीक है और सेंटेंस हमारा नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव ठीक है जैसे एग्जांपल से समझिए इस चीज़ को ही इज़ नॉट राइटिंग इज ही तो इज़ नॉट यहाँ पर क्या आ रहा है नेगेटिव सेंटेंस है इधर साइड वाला जो कॉमा के इधर फर्स्ट हाफ है वो हमारा सेंटेंस है और उसके बाद जो हम लिख रहे हैं वो क्या है हमारा क्वेश्चन टैग है तो ही इज़ नॉट राइटिंग तो इज नॉट ये हमारा क्या है नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या बन रहा है पॉजिटिव में बन रहा है इज़ ही यहाँ पर हमने इजेंट ही नहीं लिखा इज़ नॉट ही नहीं लिखा हमने क्या लिखा इज ही लिखा क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है पॉजिटिव नेगेटिव में है इसलिए क्वेश्चन टैग हमारा क्या चला गया पॉजिटिव में चला गया अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इट इज़ वेरी हॉट इजेंट इट ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस क्या है हमारा पॉजिटिव में है इसलिए क्वेश्चन टैग हमारा क्या है नेगेटिव में है ठीक है आई होप आप लोगों को सेकेंड रूल भी क्लियर हो गया होगा ठीक है अब थर्ड रूल पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का यूज होगा ठीक है बहुत बेसिक सा और बहुत ही क्लियर सा कॉन्सेप्ट है क्या कि जो क्वेश्चन टैग है उसमें क्या आने वाला है प्रोनाउन आने वाला है ठीक है तो प्रोनाउन कहने का मतलब क्या होता है वो सारे वर्ड्स जो कि नाउन के बदले आते हैं जैसे मैंने बोला सीता इज़ ब्यूटिफुल ठीक है अब सीता की जगह हम लोग सी का यूज़ कर सकते हैं सी इज़ ब्यूटिफुल ठीक है और जैसे हम लोग बोल सकते हैं डॉक्टर्स आर हंग्री ठीक है तो इसके जगह पे हम क्या बोल सकते हैं डॉक्टर्स क्या है हमारा नाउन है और उसके जगह पे हम बोल सकते हैं दे आर हंग्री ठीक है तो बेसिकली नाउन के बदले जो भी वर्ड्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं और वही प्रोनाउन का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में ठीक है फॉर फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देखोगे राम एंड श्याम आर सिंगिंग अरण दे ठीक है राम एंड श्याम राम एंड श्याम हमारा क्या है यहाँ पे नाउन है और इसके बदले जो हमारा क्वेश्चन टैग में आ रहा है तो राम एंड श्याम हमने ऐसा नहीं लिखा हमने क्या लिखा राम एंड श्याम के बदले हमने एक वर्ड लिखा जो कि प्रोनाउन है हमारा आरंट दे यहाँ पे हमने क्या यूज किया दे का यूज किया ठीक है अगर नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखें माई मदर हैज कुड फूड तो माई मदर हैज जो है उस, उनके बदले हम क्या ला रहे हैं यहां पे सी का यूज कर रहे हमने ऐसा नहीं बोला माई मदर हैज कुंट माई मदर हम ऐसा नहीं बोलेंगे ठीक है वो नाउन हमारा रिपीट नहीं होगा हमें क्या यूज़ करना है प्रोनाउन का यूज़ करना है ठीक है अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं सीता इज अ स्टडिंग इज एंड सी सीता पढ़ रही है क्या वो नहीं पढ़ रही है ठीक है ये हमारा सेंटेंस uh, है तो सीता सीता के बदले हम क्या ला रहे हैं यहाँ पे सी का यूज़ कर रहे हैं ठीक है ठेके? तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग में हमारा क्या होता है प्रोनाउन का यूज़ होता है जैसे कि फिर मैंने लिखा है डॉक्टर्स वर बिजी डॉक्टर्स बिजी थे वर एंड दे ठीक है तो डॉक्टर्स के बदले हम क्या ला रहे हैं दे ला रहे हैं ऐसा नहीं बोल रहा है वर्न टू डॉक्टर्स ठीक है तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारा नाउन इधर साइड यूज़ हुआ है उसके जगह पे हमें प्रोनाउन का यूज़ करना है बस दैट्स इट ठीक है अगर एक क्वेश्चन मान लेते हैं हमने बोला ही इज अस्टर्डिंग ठीक है तो उसके बाद क्या लगाएंगे इज एंड ही क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेंटेंस में हम क्या बोल रहे हैं ही का यूज़ कर रहे हैं तो क्वेश्चन टैग में क्या होगा ही का यूज़ होगा क्योंकि दोनों ही क्या है प्रोनाउन है ठीक है बहुत ही सिंपल सी बात है चलिए आई होप थर्ड रूल भी आप सबको क्लियर हुआ होगा अब फोर्थ रूल पर आते हैं जो कि है नेगेटिव क्वेश्चन टैग आ, जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म का यूज़ करेंगे ठीक है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट जब भी हमारा आएगा तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ करेंगे जैसे कि देखिए हैज़ और नॉट है इन दोनों को मिला के हम लोग हैजेंट पढ़ेंगे डिड और नॉट है तो इसको मिला करके हम क्या पढ़ते हैं डिड नॉट पढ़ते हैं ठीक है चेके? उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ आर प्लस नॉट है तो आरंट पढ़ेंगे और उसके बाद हैव नॉट तो हैवंट कैन प्लस नॉट कांट और इज़ प्लस नॉट इजेंट और एक छोटी सी बात याद याद रखिए कि एम प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म प्रेजेंट नहीं है हमारे पास एम एम एंट हम लोग नहीं बना सकते या एम नॉट हम लोग नहीं बना सकते एम प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड uh, फॉर्म क्या बनता है आर एंट बनता है ठीक है तो हम लोग आर एंट का ही यूज़ करेंगे एम नॉट का नहीं ठीक है तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग कहने का मतलब क्या है कि आगे वाला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव और बाद में हम लोग क्या करें नेगेटिव क्वेश्चन टैग जब भी देंगे तब वहाँ पर क्या होगा हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ करेंगे जैसे कि एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल ही हम लोग देख लेते हैं राम एंड श्याम आर सिंगिंग आर दे ठीक है तो यहाँ पे हमने आर आर नॉट दे ऐसे यूज़ नहीं किया हमने क्या यूज़ किया आरंट यूज़ किया contracted फॉर्म मतलब दोनों को आर प्लस नॉट को मिला करके जो हम बना रहे उसको ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर्स वर बिजी वरंट दे ठीक है तो यहाँ पे हमने वरंट दे यूज़ किया तो वरंट क्या है contracted फॉर्म है वर प्लस नॉट का ठीक है आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा नेगेटिव क्वेश्चन टैग जो नॉट के साथ हम लोग मिला के बनाते हैं वो हमेशा कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म में आता है ठीक है आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो आप लोगों को या तो मैं क्या करती हूँ एक बार रिवीजन करा देती हूँ चारों रूल को ठीक है मेन रूल्स जो है हमारे वो यही है इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं ठीक है फर्स्ट क्या है कि सेंटेंस और क्वेश्चन टैग दोनों क्या रहेगा सेम टेंस में रहेगा दोनों क्या रहने वाला है सेम टेंस ठीक है सेकंड रूल हमारा कहता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में जाएगा अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में जाएगा ठीक है थर्ड रूल हमें क्या कहता है कि क्वेश्चन टैग में हमें हमेशा प्रोनाउन का यूज़ करना है ठीक है फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग जब भी हम लोग लगाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ होगा जैसे इज नॉट है तो उसको इजेंट हम लोग लिखेंगे ठीक है आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर रहा होगा अब हम लोग नोट्स पर आते हैं ठीक है थीके? ये जो कुछ नोट्स है सेवन नोट्स है इसमें तो ये अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन टैग बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है ठीक है आराम आराम से समझते हैं फर्स्ट नोट हमारा क्या है क्वेश्चन टैग हमेशा मेन सब्जेक्ट या मेन पार्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होना चाहिए ठीक है तो एग्जाम्पल से समझिए इस बात को आई थिंक सी इज़ रॉन्ग इज एंड सी ठीक है तो यहाँ पर हमने आई थिंक यहाँ पर आई भी आ रहा है एक सी भी आ रहा है ठीक है तो मेन पार्ट बट क्या है हमारा सी इज़ रॉन्ग यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट को फिर से समझिए आई थिंक मैं सोचती हूँ सी इज़ रॉन्ग कि वह गलत है इजेंट सी तो यहाँ पे हमने इजेंट आई नहीं लिखा क्यों नहीं लिखा क्योंकि मेन पार्ट हमारा क्या है सी इज रॉन्ग है ठीक है सी इज़ रॉन्ग यहाँ पे मतलब कि मेन जो पार्ट रहने वाला है हमारा सी है इस यही रीज़न है कि क्वेश्चन टैग में हमने सी का यूज़ किया ना कि आई का यूज़ ठीक है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो मेन सब्जेक्ट या मेन पार्ट के अकॉर्डिंग रहता है ठीक है ओके अब हम नेक्स्ट नोट पर आते हैं जब सेंटेंस में देयर सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग में भी वही आएगा मतलब कि अगर हमारा सेंटेंस में देयर का यूज हो रहा है सब्जेक्ट हमारा देयर है जैसे देयर इज अ किंग हम बोल रहे हैं तो भी हमारा क्वेश्चन टैग में भी देयर का ही यूज करेंगे ठीक है थीके? अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल है देयर इज नो किंग इज देयर ठीक है मतलब कि यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है सेंटेंस के साइड में देयर है जो कि मैंने अंडरलाइन किया है और क्वेश्चन टैग में भी क्या आ रहा है वही आ रहा है इज देयर ठीक है अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं देयर वर बिग ट्रीज वरंट देयर ठीक है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा देयर है अगेन क्वेश्चन टैग में भी हमारा क्या आएगा देयर ही आएगा आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट देयर है तो क्वेश्चन टैग में भी सब जो हमारा आने वाला है वो देयर ही आएगा ठीक है नेक्स्ट नोट पर चलते हैं अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग देते हैं ठीक है तो उस चीज़ को हमें पहचान के चलना होगा और एक चीज़ हमने पढ़ ली है दैट अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तो हमें क्या करना है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाना है ठीक है अब देखिए जरूरी नहीं है कि जिसके साथ हम नॉट लगा रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है देयर इज़ नो किंग तो ये क्या दे रहा है नेगेटिव सेंटेंस है ये क्योंकि नो no का यूज़ हमने किया ठीक है अब जरूरी नहीं है कि नो और नॉट का यूज़ होगा तभी उस सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव बोलेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि खुद में नेगेटिव सेंस देते हैं वही वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं हार्डली सेल्डम स्कार्सली बियरली ये सारे क्या हैं नेगेटिव मीनिंग देते हैं ठीक है तो इसलिए इनके साथ क्या आएगा पॉजिटिव टैग आएगा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा ठीक है क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक साइड सेंटेंस uh, में अगर नेगेटिव है तो इधर क्या आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है जैसे कि एग्जाम्पल uh, है ही इज हार्डली प्रेजेंट ठीक है मतलब वो हार्डली प्रेजेंट रहता है इज ही ठीक है हमने इजेंट ही नहीं लिखा क्यों क्योंकि हार्डली ऑलरेडी क्या दे रहा है नेगेटिव मीनिंग दे रहा है अगर इधर साइड हमारा नेगेटिव नेगेटिव uh, आ रहा है तो इधर हमारा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा यही रीज़न है कि हमने इज ही का यूज़ किया ना कि इजेंट ही का ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं ही बेयरली कम्स हेयर ठीक है वह मुश्किल से ही यहाँ पर आता है ठीक है इज ही तो यहाँ पे आ, फिर से वही बात है कि नेगेटिव मीनिंग ये दे रहा है इसलिए हमने क्वेश्चन टैग क्या लगाया है पॉजिटिव लगाया है तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को चार पांच वर्ड बस याद रखना है हार्डली सेल्डम स्कासली बियरली रेयरली ठीक है तो ये सारे वर्ड्स के साथ क्या होगा हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा बिकॉज ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देते हैं ठीक है आई थिंक आपको ये भी क्लियर हुआ होगा अब आगे बढ़ते हैं सॉरी फॉर द बैड थ्रोट या yeah, सो so, uh, यहाँ पर uh, देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं एवरी वन एवरी नो वन नो नन ईच एवरी ये सारे क्या होते हैं सिंगुलर फॉर्म लेते हैं ठीक है ठेके? जैसे कि हमने बोला एवरी वन इज़ सिख हेयर ठीक है सभी यहाँ बीमार हैं तो हमने एवरी वन इज़ इज का यूज़ किया एवरी वन आर हम नहीं बोलते हैं ठीक है एवरी वन ईच नो वन नन एवरी एवरी ये सारे क्या होते हैं सिंगुलर फॉर्म लेते हैं ठीक है ठेके? तो uh, ठीक है तो रूल यही है कि ये तो सिंगुलर फॉर्म लेते हैं बट इनका जो क्वेश्चन टैग आता है वो प्लुरल में आएगा ठीक है मतलब बहुवचन में आएगा जैसे एग्जांपल आप लोग देखिए एवरी वन हैज़ गॉन हैवंट दे ठीक है एवरी वन हैज़ गॉन सेंटेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो एवरी वन हैज़ गॉन एवरी वन के साथ हम सिंगुलर को ले रहे हैं हैज क्या होता है हमारा सिंगुलर होता है लास्ट क्लास में भी हमने इस चीज को पढ़ रखा है हैज़ हैव का यूज ठीक है तो हैज़ क्या होता है सिंगुलर के साथ लगता है और एवरी वन को एवरी वन क्या लेता है सिंगुलर लेता है बट अगर हम क्वेश्चन टैग में देख रहे हैं ये चीज तो यहाँ क्या आ रहा है दे आ रहा है ठीक है क्या है प्लूरल है ठीक है तो यही बात समझना है कि कुछ जो पर्टिकुलर ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं वो ऐसे तो सिंगुलर फॉर्म लेते हैं बट जो क्वेश्चन टैग उनका आएगा वो क्या होने वाला है प्लूरल आएगा बहुवचन के साथ आएगा ठीक है जैसे कि एवरी वन हैज गॉन तो क्वेश्चन टैग में हम ये नहीं बनाएंगे हेजेंट दे ठीक है हम क्या बनाएंगे हैवंट दे ठीक है आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एवरीबडी कैन गो देयर कांट दे ठीक है सभी कोई वहां जा सकते हैं कांट दे ठीक है दे का यूज़ कर रहे हैं दे का यूज़ क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन टैग जो हमारा आने वाला है वो बहुवचन आएगा प्लूरल में आएगा ठीक है तो बस ये छोटी सी बात याद रखनी है कि एवरी वन एवरी नो वन नन ईच एवरी ये सारे सिंगुलर फॉर्म लेंगे किधर साइड में हमारा जब सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो ये सिंगुलर में ही रहेंगे बट जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे प्लूरल में चले जाएंगे ठीक है अब नेक्स्ट रूल पर हम लोग चलते हैं या yeah. <coughs> अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट्स या लेटर्स से हो रही है तो हमें क्या करना है क्वेश्चन टैग में सेल वी लगाना है ठीक है बहुत नॉर्मल सा एक नोट डाउन है आप लोग के लिए लेट अस स्टडी टुगेदर सेल वी ठीक है क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या आएगा सेल वी आएगा अगर हमारा सेंटेंस लेट्स या लेटर्स से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन टैग में क्या आएगा सेल वी का यूज़ हम लोग करते हैं ठीक है थीके? अब देखिए फाइव हमने पढ़े नोट डाउन अब इन नोट पॉइंट्स को हम क्या करेंगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं ठीक है नोट वन हमारा क्या था कि जो मेन पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है क्वेश्चन टैग लिखना है नोट टू हमारा क्या था कि अगर सेंटेंस में देयर सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन टैग में भी देयर आएगा ठीक है नोट थ्री क्या था हमारा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव हैं मीनिंग में तो उनके साथ जो क्वेश्चन टैग आएगा वो पॉजिटिव आएगा ठीक है नोट फोर हमारा क्या था कि एवरी वन एवरी बर्डी नो वन नन ईच एवरी ये सारा का जब हम सेंटेंस देखेंगे तो वो क्या होगा हमारा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा बट क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा प्लूरल में बनेगा ठीक है अब फिफ्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि लेट या लेटर से अगर कोई सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्वेश्चन टैग क्या लेगा सेल वी लेगा ठीक है आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया हो अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक है अब दो रूल्स और बचे हैं दो नोट डाउन और बचे हैं आई वुड से ठीक है तो यहाँ क्या है सबसे पहला है इसमें कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है देखिए कलेक्टिव नाउन जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था कि कलेक्टिव नाउन एज एज एन इंटाइटी यूज़ होते हैं ठीक है, है? मतलब कि वो एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं और जब भी हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो उसके साथ क्या लगता है हमारा सिंगुलर फॉर्म्स लगते हैं जैसे कि मैंने बोला था द आर्मी इज सराउंडेड बाय इनिमीज़ ठीक है तो यहाँ पर आर्मी हमारा क्या है कलेक्टिव वर्ड है ठीक है और इसके साथ हमने क्या लगाया इज लगाया ठीक है तो क्यों हम लगा रहे क्योंकि कलेक्टिव वर्ड के साथ क्या लगता है हमारा सिंगुलर फॉर्म आता है ठीक है तो इसलिए यही रीज़न है कि जब भी कलेक्टिव नाउन का यूज़ होगा तो सिंगुलर फॉर्म में वो होगा और क्वेश्चन टैग में आ, क्वेश्चन टैग भी क्या होने वाला है सिंगुलर वर्ब लगेगा और उसमें फिर सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा ठीक है मतलब कलेक्टिव नाउन का जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन टैग में भी सब कुछ क्या होगा सिंगुलर रहने वाला है ठीक है जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं द कमेटी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन हैज़ इट ठीक है जो कमेटी है उसने अपने डिसीजन को ले लिया है तो यहाँ पर कमेटी के साथ हम क्या लगा रहे हैं हैज़ लगा रहे हैं क्योंकि ये कमेटी क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन क्या लेता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है ठीक है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लेता है ठीक है तो इसलिए हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म लगा रहे हैं अब क्वेश्चन टैग में देख रहे हैं हम लोग हैजेंट इट ठीक है हेजेंट इट का यूज़ क्यों कर रहे हैं हेवेंट इट का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्वेश्चन टैग भी क्या लगाएंगे सिंगुलर वाला लगाएंगे ठीक है यही रीजन है कि यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें भी हैज़ है और जो हमारा क्वेश्चन टैग है उसमें भी हैजेंट एट का यूज़ कर रहे हैं ठीक है सिंगुलर सिंगुलर ठीक है क्लियर अब देखिए कल आ, इसी चीज़ को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि देखिए जो ग्रुप है ठीक है सेंटेंस से पता चलना चाहिए कि वो एज अ ग्रुप परफॉर्म कर रहा है जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस था हमारा द कमिटी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन मतलब कि जो कमिटी है वो एक मत होकर क्या लिया है उन्होंने डिसीजन ले लिया तो यहाँ पे वो एज अ ग्रुप परफॉर्म uh, कर रहे हैं ठीक है तो यही रीजन है कि सिंगुलर लगा बट अगर कोई कलेक्टिव नाउन है और उसमें मतभेद हमें पता चले कोई सेंटेंस है उसमें मतभेद पता चले तो वहां पर क्या होगा कि प्लूरल सब कुछ लगने वाला है सेंटेंस भी प्लुरल फॉर्म में आएगा हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो भी प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स हैवंट दे ठीक है द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट तो कहने का मतलब क्या है जो ऑडियंस है उसने अपनी अपनी सीट ली है मतलब कि एक एंटाइटी जैसा यूज़ नहीं हो रहा है इंडिविजुअलिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑडियंस में हर एक पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया है अपनी सीट को लिया है ठीक है तो हैव यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया ऑडियंस के साथ भी हैव का यूज़ किया और क्वेश्चन टैग में भी हमारा क्या आ रहा हैवंट दे आ रहा है ठीक है अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन आर एंट दे ठीक है तो जो ज्यूरी है वो अपने ओपिनियंस में डिवाइडेड है मतलब मतभेद है उनमें ज्यूरी का मतलब क्या होता है द ग्रुप ऑफ जजेस ठीक है तो इसलिए यहाँ पे आर का यूज हुआ क्योंकि ज्यूरी क्या है एक ग्रुप के जैसा परफॉर्म नहीं करी उनके जो उनके जो ओपिनियन है वो सारे अलग अलग हैं ठीक है ठीके? इसलिए हमारा क्वेश्चन टैग भी क्या आएगा प्लूरल फॉर्म में आएगा ठीक है आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा फिर से एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ इस नोट को कलेक्टिव नाउन के केस में जब जो हमारा सेंटेंस है उसमें अगर हमें पता चले कि उसमें जो ग्रुप है उसमें एक यूनिटी है वो लोग एक साथ मिल करके एज अ ग्रुप ही परफॉर्म कर रहे हैं तो सब कुछ सिंगुलर होगा ठीक है सेंटेंस भी हमारा सिंगुलर में रहेगा क्वेश्चन टैग भी हमारा सिंगुलर में रहेगा बट जब हम बात करते हैं कि कलेक्टिव नाउन वर्ड तो यूज़ हो रहा है बट उसमें क्या है मतभेद है किसी तरह का अगर वो लोग किसी तरह डिवाइडेड हैं या इंडिविजुअली किसी की बात हम कर रहे हैं तो वहां पर क्या होने वाला है सब कुछ हो, प्लूरल होगा प्लूरल होगा ठीक है आई थिंक आप लोगों को ये नोट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ठीक है अब नेक्स्ट नोट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यस yes. <coughs> तो नेक्स्ट नोट हमारा जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड है देखिए इस आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा बट अगर हम लोग क्वेश्चन टैक्ट पढ़ रहे हैं तो वी शुड कंप्लीट फ्रॉम क्या ए टू जेड ठीक है सब कुछ कवर करना चाहिए तो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जिसमें कि उन uh, वही सेंटेंस जिससे कि या तो हम ऑर्डर कर रहे हो कुछ ऑफर कर रहे हो रिक्वेस्ट कर रहे हो ठीक है तो ये सभी को हम क्या बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि सट द डोर मैंने बोला ठीक है ब्रिंग अ ग्लास तो ये सब क्या है ऑर्डर है रिक्वेस्ट है या ऑफर है ये सारे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं इम्पेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं ठीक है तो इसमें हम लोग चार चार बेसिक बेसिक चीज देख लेते हैं कि फर्स्ट क्या है हमारा जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो क्वेश्चन टैग में क्या आएगा वॉन्ट यू आएगा जैसे कि मैंने बोला कम इन वॉन्ट यू ठीक है मतलब जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ तो क्वेश्चन टैग वॉन्ट यू आएगा अगर हम सेकंड देखिए अगर हम किसी तरह से कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं या फिर किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे हैं या कुछ ऑफर कर रहे हैं तब हम क्या क्वेश्चन टैग में लगाएंगे विल यू या यू लगाएंगे जैसे कि ओपन द डोर यू ओपन द डोर कुछ ऑर्डर हम दे रहे हैं कि दरवाजे को खोलो तो क्या लगा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन टैग ओडियू का यूज़ कर रहे हैं ठीक है थर्ड में देखिए इम्पेशेंस इम्पेशेंस वाला कोई सेंटेंस है तो वहां पर क्या होगा कांट यू का यूज होगा मतलब जिसमें हम कोई धैर्य नहीं दिखा रहे हैं, हमें कुछ चीज़ की जल्दबाजी है तब हम क्या लगाएंगे क्वेश्चन टैग में कांट यू का यूज़ करेंगे फॉर एन एग्जाम्पल सेट योर माउथ कांट यू ठीक है अपना मुंह बंद करो कांट यू क्या नहीं कर सकते मतलब एक इम्पेश को जता रहा है ठीक है कि हमारे अंदर क्या है धैर्य नहीं है बस तुम आप शांत हो जाओ ठीक है तो इम्पेशेंस uh, वाला सेंटेंस रहेगा तो क्वेश्चन टैग में कांट यू आने वाला है ठीक है फोर्थ हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव इम्पेटिव मतलब कि नेगेटिव इंपेरेटिव मतलब आगे का जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव में रहेगा जैसे कि डोंट वरी या डोंट केयर ठीक है तो क्वेश्चन टैग क्या रहने वाला है विल यू रहेगा ठीक है डोंट केयर विल यू ठीक है आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस का एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ ठीक है रिक्वेस्ट रहे तो वॉन्ट यू ऑर्डर या ऑफर रहे तो क्वेश्चन टैग क्या लगे, you, लगेगा विल यू या यू लगेगा इम्पेशन्स रहे तो यू का यूज़ करते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग में अगर अगर नेगेटिव इंपरेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग में हम लोग विल यू का यूज़ करते हैं आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया हो अच्छे से एंड ये आपका पूरा uh, क्या था पूरा कॉन्सेप्ट था बट अब प्रैक्टिस की बात रही तो आई थॉट कि सबसे पहले मुझे ये वीडियो आप लोगों को देनी चाहिए जिससे कि आप लोग क्या करो एक बार सारे रूल्स को समझ लो याद कर लो पढ़ लो ठीक है जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उसके थ्रू बहुत ही अच्छे से एक बार समझ लो आप लोग ठीक है उसके बाद मुझे प्रैक्टिस के लिए देना देना चाहिए क्योंकि वन गो में आप लोग वीडियो देखोगे तो आ, ये जरूरी नहीं है कि आपको सारा यू you नो know, याद हो जाए तुरंत भर में ठीक है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टेक अ ब्रेक देन आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए फिर आओ ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि एक और वीडियो आपको डाल दूंगी दैट विल बी ओनली अबाउट द क्वेश्चन जिसमें कि आप लोग क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे आई विल ट्राई टू मतलब कि उसमें रहे पच्चीस से तीस क्वेश्चन रहे जिसमें कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप लोगों की क्वेश्चन टैक की हो जाए एंड ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है uh, बात अगर हम लोग कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की करें जिसमें इंग्लिश आती हो या फिर बात करें झारखंड बी एड एंट्रेंस एग्जाम की ठीक है तो आई थिंक uh, ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो अगर किसी तरह का कोई डाउट रह गया हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इसी तरह पढ़ते रहिए बाय बाय टेक केयर